हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हर बारी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ लाइक मीशो से हॉल, बट इस बारी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर करा है अमेजोन से। मैंने ऑर्डर करे हैं कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, लाइक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये कोरियन पैंट्स। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने क्या ऑर्डर करा है। तो मैंने एक्चुअली ऑर्डर करी है 2 कोरियन पैंट्स एंड 1 मैंने ऑर्डर करी है कार्गो पैंट्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो लोग भी ले पाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जितने भी अभी आपको प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी ना, लाइक उनकी जो भी ओरिजिनल पिक्चर्स होंगी, लाइक जो वेबसाइट पे पिक्चर्स होती हैं वो मैं साइड में यहाँ लगा दूंगी। सो आप लोग देख लेना कि वेबसाइट में लाइक कैसी दिखती है और ओरिजिनल में आपको ये प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ है। सो जो मैंने फर्स्ट पैंट ऑर्डर करी थी ना, लाइक ये ऑफ व्हाइट कलर की पैंट है एंड इसमें ना मैंने साइज ऑर्डर करा था 34। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो आप लोग देख लो, मैंने साइड में लगा दी हुई है ऊपर। तो ये है वो पैंट और इसकी लेंथ की अगर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, इसकी ना लेंथ काफी अच्छी है। अगर आप लोग देखोगे ना, ऑफ व्हाइट कलर मैंने ऑर्डर करा था, कलर्स इसमें काफी सारे अवेलेबल हैं। तो इस वाली पैंट्स में ना मैंने 2 कलर ऑर्डर करे थे, एक मैंने ऑफ व्हाइट ऑर्डर करा था, एक मैंने अभी ब्लैक ऑर्डर करा था जो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। सो इसका फ्रंट में आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले। सो फ्रंट में आप लोग देख सकते हो, लाइक आपको ना यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, 2 लोब्स मिल जाएंगी एंड यहाँ पे आपको जिप मिल जाएगी आगे, और यहाँ पे ना आपको 2 बटन्स मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ एकदम पास से, ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे ना आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक में ना आपको यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि जो मैंने 2 पैंट्स ऑर्डर करी थी ना, मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज में ऑर्डर करी थी, बिकॉज ऑर्डर करने से पहले ना मैंने लाइक कमेंट्स वगैरह चेक करे थे और उसमें ना लिखा हुआ था कि काफी ज्यादा खुली आएगी अगर आप लोग एक्चुअल साइज ऑर्डर करते हो अपना। तो मेरा जो एक्चुअल साइज है वो 34 है, बट मैंने क्या करा था, मैंने एक 34 ऑर्डर करा था, दूसरा मैंने जो ऑर्डर करा था वो 32 साइज ऑर्डर करा था, सो दैट मैं चेक कर पाऊं एंड क्वालिटी अगर अच्छी हुई तो मैं और पैंट्स ले पाऊं। बस एक यही रीजन था कि मैंने एक 34 एंड एक जो मैंने था 32 ऑर्डर करा था। सो इस वाली पैंट में ना मैंने 34 साइज ऑर्डर करा था एंड ये वाली ना बहुत ज्यादा मुझे लूज है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आई जितनी दूसरे वाले की फिटिंग आई है। तो वो चीज आप लोग थोड़ा माइंड में रख लेना। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ना आपको साइड पे पॉकेट्स भी मिल जाएंगी एंड इसका कलर एकदम सेम है जैसा वेबसाइट पे था ना, एग्जैक्टली आपको सेम ही कलर मिलेगा। सो पहनने के बाद कैसी लगेगी वो मैं साइड में वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट इस वाली पैंट को ना मैं रिटर्न करने वाली हूँ। रीजन उसका ये था कि एक तो इस पे ना स्टेन लगा हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने ना यहाँ पे पैंट से ना यहाँ पे साइज लिख दिया हुआ है, एकदम आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ। ये अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एक्सेल, तो यहाँ पे स्टेन लगा हुआ है। एक तो मेरा ये फर्स्ट रीजन था इसको रिटर्न करवाने का ये, एंड दूसरा ये था कि इस पे ना काफी ज्यादा जो थ्रेड्स होते हैं ना वो निकले हुए हैं, लाइक फिनिशिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, छोटे छोटे हर जगह से मतलब थ्रेड्स निकले हुए हैं। एंड इवन अगर बैक पे भी मैं आपको दिखाऊँ ना, तो बैक साइड पे भी आप लोग देखो यहाँ से भी ना थ्रेड निकले हुए हैं, कैमरे में नहीं दिख रहा इतना अच्छे से, बट बहुत ज्यादा ना थ्रेड निकले हुए हैं। तो यही एक मेरा रीजन है कि इसको मैं रिटर्न करवाऊंगी एंड माइट भी मैं दूसरा कलर ऑर्डर करूंगी। वैसे कलर अच्छा है, अगर साइज भी मैं एक ना थोड़ा नीचे का ऑर्डर करूंगी, क्योंकि मुझे जो दूसरा वाला साइज है ना वो काफी अच्छे से आया है एज कम्पेयर टू ये जो ऑफ वाइट था ना इसका। तो मेरा एक्चुअल साइज था 34, बट मेरे को ना 32 साइज ज्यादा अच्छे से आया फिटिंग में, और 34 जो है मुझे बहुत ज्यादा लूज है। तो ये चीज आप प्लीज माइंड में रख लेना। बाकी क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, लेंथ इसकी काफी अच्छी है, नीचे से जो है एकदम आपको वाइड लेग मिल जाएगा। सो मेरी जो हाइट है ना 5'4" है, तो आप लोग देख लेना कि इसकी लेंथ वगैरह कैसी है, बट मुझे लेंथ इसकी काफी अच्छी आई। अगर मैं हील्स वगैरह भी पहनती हूँ ना तो काफी अच्छे से ये लाइक मुझे फिट आएगी, लाइक बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होगी नीचे से, एंड लेंथ इसकी ओके है, मुझे काफी अच्छी लगी। सो मैं आप दिखा देती हूँ आपको ब्लैक वाली। सो ब्लैक का जो स्टफ है ना वो ज्यादा अच्छा है, जो मैंने आपको ऑफ वाइट दिखाया ना, आई डोंट नो एक ही सप्लायर से मैंने मंगवाया, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है ब्लैक वाले में और ऑफ वाइट वाले में। सो ब्लैक वाली काफी अच्छी है, मैंने इसको ट्राई करा था, बहुत अच्छी लग रही थी एंड बहुत ज्यादा हाई वेस्टेड है, तो अगर आप लोग लाइक आपका टमी है उसको भी अच्छे से हाइड कर देगा। सो अगर आप इसके साथ क्रॉप टॉप पहनते हो ना तो काफी अच्छी लगेगी एंड ऑफिशियली भी इसको आप यूज कर सकते हो इन ट्राउजर्स को। फ्रंट में आपको दिखा देती हूँ, सेम आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे लोब्स मिल जाएंगे फ्रंट में आपको 2, एंड यहाँ पे ना आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप अपना थोड़ा बहुत कैश कैरी कर सकते हो। एंड लेंथ इसकी आप लोग देख सकते हो, लेंथ पैंट की काफी अच्छी है, नीचे से जो है इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, लाइक वाइड लेग पैटर्न है ये। और बैक आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हो, बैक पे ना आपको इलास्टिक मिल जाएगी
और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, लाइक ब्लैक वाले की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड पहनने के बाद लाइक लुक काफी अच्छी आ रही थी। सो अगर ओवरऑल बात करूँ ना दोनों पैंट्स की, तो बस साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक इसमें मैंने 32 मुझे ज्यादा अच्छे से आ रहा है, 34 मुझे अच्छा नहीं लगा। एक्चुअल साइज जो मेरा है वो 34 है, तो प्लीज आप लोग ये वाली चीज जो है चेक कर लेना। बाकी ट्राउजर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है और आप लोग यस ट्राई कर सकते हो अमेजोन से। लिंक्स जो होंगे ना प्रोडक्ट्स के मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो आप लोग डेफिनेटली जाके वहां से ऑर्डर कर सकते हो। सो लास्ट जो मैंने ऑर्डर करी थी ना, लास्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास ना सेम पैंट पहले भी थी, मैंने लाइक मीशो से ऑर्डर करी थी, बट इस बार ना वो पैंट जो थी ना पहले जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी लाइक वो थोड़ी सी मेरी खराब हो गई थी एंड मैंने सोचा सेम पैंट इस बार मैं अमेजोन से ट्राई करती हूँ। सो मैंने ऑर्डर करे थे अपने लिए ब्लैक कार्गो। सो ये वाली ना कार्गो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जो मीशो से ट्राई करी थी ना उसकी फिटिंग बहुत प्यारी थी एंड मुझे वो काफी अच्छी लगती थी, बट उसमें थोड़ी बहुत ना खराब हो गई थी। सो मैंने सोचा एक और ट्राई कर लेती हूँ, तो इस बार ही मैंने अमेजोन से बाय करी है। सो इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी ना 798 रुपीज पड़ी थी। एंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो मैंने अभी आपको कोरियन पैंट्स दिखाई है ना, इसमें जो साइजेस आपको मिलेंगे ना, इसमें आपको 28 से लेकर 34 साइज तक मिल जाएंगे, तो आप लोग देख लेना कि आपको कौन सा साइज ऑर्डर करना था। और इस वाली पैंट की मैं बात कर रही हूँ, इसकी जो भी ओरिजिनल पिक्चर होगी मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, तो ये वाली पैंट आपको मैं दिखा देती हूँ। लाइक क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, फ्रंट आप लोग देख सकते हो लाइक एग्जैक्टली सेम टू सेम आई है जैसे वेबसाइट पे थी, एंड बैक भी आपको मैं दिखा देती हूँ। सो मेरे पास सेम पैंट मैंने मीशो से भी बाय करी थी, सेम पैंट मेरे पास पड़ी हुई है एंड इस बारी मैंने अमेजोन से ट्राई करी है। सो आप लोग ये देख सकते हो लाइक इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है इस पैंट की, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक डेनिम की जो क्वालिटी होती है ना वैसी वाली क्वालिटी है, काफी अच्छी है। प्राइस 798 रुपीज, साइजेस आपको मिल जाएंगे 28 से 34 साइज तक। पहनने के बाद कैसी लगेगी वीडियो मैं साइड में अपलोड कर दूंगी। ओवरऑल जो पैंट की बात करूँ तो पैंट की क्वालिटी काफी अच्छी है। बैक भी आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड से आप लोग देख सकते हो लाइक आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, और इस तरह का जो थ्रेड है ना व्हाइट कलर का थ्रेड ओवरऑल आपको पैंट में देखने को मिलेगा। सो साइड पे ना आपको इस तरह की पॉकेट्स भी मिल जाएंगी दोनों साइड पे, और जिसमें आप अपने कैश वगैरह या आप जो भी आपने कैरी करना आप लोग कैरी कर सकते हो। तो इस वाले की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी, पहनने के बाद कैसी लगेगी वो मैं आपको साइड में वीडियो में दिखा दूंगी। सो डेफिनेटली आप लोग तीनों पैंट्स जो मैंने ऑर्डर करी थी ना अमेजोन से, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं सिर्फ एक पैंट इसलिए रिटर्न करवा रही हूँ बिकॉज उसमें जो है स्टेन लगा हुआ था एंड प्लस उसमें काफी फिनिशिंग नहीं है, लाइक उसमें थ्रेड्स वगैरह निकले हुए हैं। सो ये थे मेरे तीनों प्रोडक्ट्स आज के अमेजोन से जो मैंने बाय करे थे। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना आपकी कौन सी वाली फेवरेट थी। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।